दोस्तों वेलकम टू अ न्यू चैट शो आई हैव स्टार्टेड ऑल्टर्ड स्टेट विद जेमी, जिसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिलवाऊंगा जिन्हें आपने टीवी, फिल्म्स, वेब सीरीज, सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स की दुनिया में धूम मचाते हुए देखा है। और सबसे खास बात है कि ये सारे सेल्फ मेड एंटरटेनर्स हैं। आज के इस पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं बिश्वपति सरकार, जिन्हें आप द वायरल फीवर TVF फॉर शॉर्ट के शोज से जानते हैं। ही इज अ राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर वेल नोन फॉर क्रिएटिंग द मच लव TVF शोज परमानेंट रूममेट्स एंड पिक्चर्स, एंड ऑफकोर्स एज अर्नब बेस्ड ऑन द वेल देयर इज नो नीड फॉर मी टू एलैबोरेट ऑन दैट इज देयर। Ladies and gentlemen, without further ado, Bishwapati Sarkar. और यहाँ पे I'm going to insert some applause. So please take the applause. Thank you for having me. मैं वैसे भी बहुत time से आपसे बातचीत करना ही चाह रहा था. Hopefully, और अगर ये सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं भी कभी अगर आप आए होते या मैं दिल्ली गया हुआ होता तो मैं मिलता. तो एनीवे जो अच्छा है कि ऐसे वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं पहले थोड़ी सी तारीफ कर लूँ आपकी. मुझे फेक इन इंडिया का कोई वीडियो देखा और मुझे जैसे ही क्लिक हुआ मुझे मतलब कंटेंट तो फनी था ही बट मुझे लगा कि और फिर मैंने जैसे ही डिस्क्रिप्शन में देखा कास्ट में देखा जेमी ऑल्ट मैंने सर्च किया. फिर मैंने एक उसके आई थिंक 3-4 हफ्ते बाद कभी एक दिन रात को बैठ के मैंने ऐसे तकरीबन 20-25 वीडियोस देखे. मैंने वो होता है ना आप कभी पूरे जोन में फिर आप सामने निकलते हो. फिर उसके बाद मैंने फॉलो किया आपका यूट्यूब चैनल देखा. फिर कभी कभी सजेशंस में आते ही रहते हैं जब भी आप अपलोड करते हो. तो तब से मैं एक्टिवली सारा कुछ देख रहा हूँ. अभी तो फॉलो भी करता हूँ, देखता हूँ और मुझे बहुत मतलब जेन्युइनली दिल से बहुत बहुत कम क्रिएटर्स हैं जो बहुत पसंद आते हैं. और so you are too kind. I did not expect this. Thank you. नहीं मुझे बहुत ज़्यादा coming from you बिल्कुल तो नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. और मतलब इनफैक्ट फेक इन इंडिया की पूरी टीम मतलब the guys who are writing it बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कंटेंट है. The full exactly as you said इनका पूरा श्रेय जाता है नीरज भरवार जो स्क्रिप्ट को लिखता हूँ. मैं आता हूँ, मैं टाई बांधता हूँ, शर्ट पहनता हूँ, डांटता हूँ और मैं अपने डायलॉग बोलता हूँ. So I really and I from day one I said I take no credit for this. It is all due to the team who does this. बल्कि मैं सोच रहा था कि मैं भी टिंकू जिया के रूप में आपके अर्नब से बात करूं. फिर मैंने कहा नहीं, वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो नव भारत टाइम्स का है, कहीं मुझे इन जॉब से निकाल देंगे. तो मैंने कहा ठीक है, आई विल जस्ट कीप इट टू जेमी. बट या सो एनीवेज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो. ये हमारा पहला एपिसोड है, लॉकडाउन का ये शो है, क्योंकि आजकल क्या करें, एज यू सेड इतनी अनसर्टेनिटी है, हम कब तक बैठेंगे अपने अपने घरों में. तो मैंने कहा चलो let's do a chat show. So thank you for giving us your time. तो बताइए आजकल आप बॉम्बे में हो, क्या कर रहे हो, how are you biding your time? We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. जब भी पॉसिबल होता है मैं डेटा से जो भी पॉजिटिव निकल रहा है उसको somehow कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ. और एक्चुअली कुछ स्टेट्स इन इंडिया डूइंग अ फेनोमिनल जॉब, तो वो हाईलाइट करना बाकी सारी जगहों सीखना बहुत जरूरी है. जैसे आई थिंक व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड केरला हैड वाज द नंबर वन स्टेट विद मोस्ट नंबर ऑफ केसेस. अभी आई थिंक इट इज 20th, क्लोज टू इन द बॉटम 20 समवेयर. तो देर आर स्टेट्स लाइक सिक्किम जहां पे एक्टिवली डे वन से इतना एक्टिव काम किया गया था कि एक भी केस नहीं निकला. तो हाँ वही है, आई थिंक वी कैन ओनली लर्न और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक हो ही जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. एंड दिस इज जो है ये न्यू नॉर्मल जो है, I think जब ये खत्म होगा लॉकडाउन तो सो मेनी थिंग्स जिस तरह से हम जाते हैं, हमारे choices, you know, going out, watching movies and the general sports and stuff, something is going to change. तो मेरा तो ये मानना है कि जब भी होगा ये things might get back to normal, but it'll be the new normal. But खैर हम बात करते हैं. You have been sort of at the forefront of this changing face of Indian humor, खास करके digital space में. अब मैं मानता हूं कि आजकल बहुत से लोग हैं, उनकी टेस्ट अभी भी वही है कि एक आदमी को औरत के कपड़े में डाल दो, चाहे अवार्ड शो हो या कुछ बड़े बड़े टॉक शोज में. बट दैट इज ओनली स्टिल वन काइंड ऑफ ह्यूमर. ये जो यूट्यूब या इंटरनेट वाला ह्यूमर आया है पिछले 7-8 सालों में, हाउ हैव यू सीन दैट, बिकॉज़ यू बीन देयर राइट देयर इन द मिडल ऑफ इट.
या तो जब हम लोग कॉलेज वगैरह में थे तब तब से लगता था कि एक अलग फॉर्म ऑफ ह्यूमर जो हम एंजॉय करते थे शायद वो लोग भी और एंजॉय करते, और वो जो जनरेशन थी, जो आई थिंक टीवी वाली जनरेशन भी थी या इनफैक्ट फिल्म्स में भी जो तरह का ह्यूमर होता था वो थोड़ा लाउड सा होता था और उतना एंजॉय नहीं करते थे हम लोग। तो शुरू में तो उस टाइम पे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2011-12 में, तब YouTube पे मतलब आई थिंक 1 लाख व्यूज मिलना वॉज अ बिग डील तब, कि हफ्ते में अगर बिल्कुल आपके 1 लाख व्यूज आ गए तो बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम पे कैमरास भी थोड़े सस्ते हो रहे थे और थोड़ा 7-8 लोग थे हम लोग और कैमरास थोड़ा अफोर्ड कर पाए, एक छोटा सा स्पेस ले लिया और सोचा कि पहले जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट ही कुछ देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो पहला हमने स्पूफ किया था कुछ एक रोडीज के ऊपर जो काफी वायरल हो गया था और उसका रिंग तब 1 मिलियन व्यूज आ गए थे विद इन अ वीक। तो तब से वो था कि अच्छा नहीं, लोग तो देख रहे हैं, मतलब देर इज एन ऑडियंस। तब आई थिंक 1 मिलियन लोग ही थे, अभी वो बढ़ के पता नहीं वो 300-400 मिलियन हो गई है। बट हाँ वो वही है, तब से उम्मीद तो थी कि अगर हमें अच्छा लग रहा है तो और भी सेंसिबल लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बहुत नीश क्राउड है, नहीं मतलब हम लोग रेगुलर लोग ही हैं और ऐसे लोग और भी हैं और वो ऑडियंस एंजॉय करेगी अगर इस तरह की उम्र। तो पहले तो आई थिंक क्राफ्ट और स्किल नहीं था उतना, तो हम भी सीख ही रहते हैं, कुछ बना रहे थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक 5-6 साल लगे, थोड़ा बाहर से देखा, कुछ खुद बनाते बनाते सीखा, तो वही थिंग्स गॉट बिल्कुल बेटर। और अब तो आई थिंक शोज हम पे हम वही कर रहे हैं और शोज आगे ले बिल्कुल जाना है, वही मजा। बिल्कुल शोज की बात करें तो ऑब्वियसली यू हैव रिटन शोज लाइक परमानेंट रूममेट्स, पिक्चर्स, ऑफ कोर्स देयर इज अर्णव, आई डोंट नीड टू मेंशन हु द इंस्पिरेशन फॉर अर्णव वाज। इन सब में से मतलब आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, फॉर ऑल वी नो यू आर मेकिंग म्यूजिक आल्सो इन योर स्पेयर टाइम, इन सब स्किल्स में से आपको सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट कहां से मिलती है, और इज इट हार्ड टू चूज वन फ्रॉम ऑल दीज? तो मैं दिल से तो राइटर ही हूँ, मैं दिल से मतलब इवन जो आप अर्नब वाला कैरेक्टर कह रहे हैं वो भी इसीलिए किया क्योंकि द एक्टर वो सपोज टू प्ले इट, ही डिड नॉट टर्न अप। अच्छा तो वैसा तो मैं जब नरेशन दे रहा था तो मैं क्योंकि इतने रिसर्च में इतने वीडियोस देखे थे तो मैं उसी आवाज में दे रहा था, तो फिर कोई ब्रिलियंट नहीं था तो मैंने कहा अरे मैं बिल्कुल भी पर रिजेंबल नहीं करता हूँ। तो उन्होंने अरे कुछ नहीं होगा, तो वैसे ही तेरा थोड़ा सा साइड वन बढ़ा देंगे और वैसे ही करना तू जैसे बोल रहा है और वो वर्क करे। और एक्चुअली वो वर्क किया, फिर वो कई बार करना पड़ा इस चक्कर में। इस चक्कर में एक चीज जो अच्छी हुई, मुझे भी डिस्कवर हुआ कि अच्छा हाँ थोड़ा बहुत एक्टिंग तो कर लेता हूँ मैं। तो दैट्स हाँ वो फिर एन उसके बाद, बट सबसे अंडरस्टेटमेंट। ज्यादा मजा पहले राइटिंग में आता है, फिर डायरेक्शन, फिर एक्टिंग। तो ये जो अर्नब का शो था, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ यू बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये शायद आपका सबसे पॉपुलर रोल था। उसके बाद डिड पीपल स्टार्ट सॉर्ट ऑफ सीइंग यू कि अच्छा ही कैन राइट, ही कैन एक्ट एज सॉर्ट ऑफ दिस पैकेज, स्पेशली फॉर द डिजिटल कंटेंट? मतलब आई थिंक वैसा तो नहीं है ऑनेस्टली, आई नहीं, थिंक बट क्योंकि इट्स वेरी रेयर ना, इट्स वेरी रेयर कि आप लिख सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप कैमरे के सामने भी आ सकते हो। हाँ नहीं ऑफ कोर्स उससे बेसिकली मुझे विद इन टीवीएफ काफी एक्सप्लॉइट किया गया कि जब भी कोई एक्टर नहीं मिल रहा था तो मुझे बुला लिया जाता था उसके आ बाद। जाओ। बट आई थिंक बाहर मोस्टली मतलब एक ही रोल में मैंने काम किया, या तो आई वॉज राइटिंग और एक्टिंग। अंदर बहुत ज्यादा वैसे वाला हुआ कि कई बार मतलब इवन व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग कई बार वैसा होता था कि कोई एक्टर या तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है या लग रहा है कि अरे फक यहाँ पे रोल को बढ़ा के कुछ इम्पोर्टेंट करने का मौका है तो वहां पे कर दिया। कई बार वैसा भी रहता था, हम लोग कई बार गुरिल्ला शूट करते थे तो एक वीडियो हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे और लगा कि अरे यहाँ पे अगर कोई भिखारी बैठा होता तो यहाँ पे कुछ एक जोक लेने का प्रॉब्लम, तो लिटरली मेरी शर्ट वर्ट मैली करके मैं बैठ गया और लिटरली पे वैसे शॉट लिया कि मेरे पैर के ऊपर से चल के कोई जा रहा है। तो हाँ वैसी चीजें मतलब एनीथिंग फॉर कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट ब्रिलियंट। कुछ किया है तो बस। हाँ और आपका बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का है, तो ये बताइए कि हम देखते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो भी इंजीनियरिंग में जाता है उसकी एक्चुअल ख्वाहिश है एंटरटेनमेंट में आने के लिए, एक्टर बनने का, राइटर करने का, या इफ यू आर फ्रॉम कर्नाटका टू इवन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, तो ये सर ये सीन क्या है इंजीनियरिंग का? नहीं आई थिंक वो हर छोटे शहर बड़े शहर में वही है कि आई थिंक इंजीनियरिंग तो इंडिया का प्लस टू है, कि इंजीनियरिंग तो आपको करनी ही करनी है, वो बेसिक एजुकेशन है, उसके बाद आप जो मतलब ये करियर है। है। हाँ क्योंकि हाँ आई थिंक तब तक एटलीस्ट 90s में तो वो ऑप्शन ही नहीं मिलता। मतलब मुझे याद है जब मैं IIT JEE का फॉर्म भरने, तब घर घर में इंटरनेट नहीं था तो साइबर कैफे जाके देखना पड़ता था, तो मैं सीक्रेटली FTII साइबर का कैफे। एडमिशन एडमिशन वो देखता था FTII का कि कैसे लेते हैं और कुछ। बट
तब वही था कि घर में कभी वो ना स्कोप था ना वो रियलाइजेशन थी कि दिस कैन बिकम अ करियर. इनफैक्ट आई थिंक 5 साल पहले तक भी नहीं थी मेरे पेरेंट्स को. वो तो जब वो आए उन्होंने देखा घर वर की, अच्छा हाँ ये तो ठीक है, तो 5-6 साल अच्छा है, अच्छा है. हाँ तो तब उनको लगा कि अच्छा हाँ फिर तो ये मतलब भूखा नहीं मरेगा, सही है इसका कुछ तो हो जाएगा. तब तक तो उनको लग रहा था ये क्या करता रहता है मोबाइल पे वीडियोस आ रहे हैं और वो क्या. बट आई थिंक वो पोस्ट नेटफ्लिक्स अमेज़न के आने के बाद से थोड़ा सा लेजिटिमेसी भी मिली है डिजिटल मीडिया, वरना उससे पहले तो वही था कि अरे ये है बट मास एंटरटेनमेंट तो नहीं. अभी एटलीस्ट वो चेंज हुआ है. आप जरा हमें ये बताए कि पहली बार जब आपने अपने मॉम डैड को बताया कि नहीं मुझे इस लाइन में आना, तो क्या आई एम श्योर इट्स अ यूनिक स्टोरी. नहीं तो वो स्टेजेस में हुआ था. पहले तो वैसा अच्छा. हुआ था कि मैंने तो मैंने पहले कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि मैं राइटर या डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. मैंने अच्छा. वैसे ही बोला कि एक इंटर्नशिप है एडवर्टाइजिंग में. और मतलब काम वही कर रहा था कि कैमरा पकड़ के किसी ब्रांड की शॉर्ट फिल्म ही बना रहा था. बट हाँ उनको वही लग रहा था कि थोड़ा सा वो है. तो ये हुआ. फिर जब थोड़ा सा जिस बार बोला था मैंने तो तब तो वैसे वाला हो गया था कि एक्चुअली काफी सीरियस हो गया था. और मम्मी पापा का वो था कि तू क्या कर रहा है, मतलब फिर IIT से निकल के ये सब. और अब तो चलो थैंकफुली एग्जांपल्स हैं बहुत सारे कि काफी मैं अकेला पागल नहीं था, काफी वो चीज के लिए. तो बट हाँ मतलब आई थिंक वो चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो जब यूट्यूब पे फैलने लगा, आसपास पापा के डिपार्टमेंट में लोग आके थोड़ा सा तारीफ करने लगे कि यार आपका बेटा अच्छा काम कर रहा है, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि हाँ नहीं चलो सही. और फिर मतलब आई थिंक बॉम्बे आते रहे, वो देखते रहे कि जिस तरह के लोगों से मेरे आसपास थे, जिस तरह मैं रह रहा था, तो उनको लगा कि हाँ आई थिंक जॉब भी कर रहा होता तो इससे इनफैक्ट कम ही खराब, मतलब इससे बेहतर तो नहीं होती लाइफ. तो नहीं ऑफ कोर्स वो होता है एक वो सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाए. एंड तो माँ बाप चाहते हैं कि अपने बेटे का भला ही हो. तो एंड रियली आई थिंक इट्स अ फैसिनेटिंग फेज जो ये है डिजिटल स्पेस में. आप तो कह रहे हैं 2011 से, बट इवन नाउ द वे इट्स गोइंग और लॉकडाउन के बाद क्या होगा, आई थिंक जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है शोज का वो भी शायद चेंज हो जाएगा. आपके जो बिल्कुल आपने जो वेरियस शोज लिखे हैं, इज एनी वन व्हिच यू वुड से इज आपके दिल के थोड़ा ज्यादा करीब है, लाइक देयर ऑल योर क्रिएशंस? नहीं ये बच्चा मेरा फेवरेट वाला है. मतलब ऐसा नहीं, आई थिंक हमेशा वही रहता है कि मैं उतना ज्यादा अटैच नहीं होता हूं. वंस इट इज डन आई थिंक एक्साइटमेंट तीन चार दिन का रहता है या एक हफ्ते का रहता है. अच्छा. उसके बाद आई मूव ऑन फ्रॉम द सक्सेस. फेलियर्स ज्यादा बॉदर करते हैं मुझे ऑनेस्टली. तो फेलियर्स आई लिव विद इट फॉर अ ईयर और टू, बट सक्सेस का मुझे लगता है कि हाँ ये हो गया अभी आगे तो पता नहीं. आई थिंक वो भी मैं उसके लिए माँ बाप को ही दोषी ठहराना चाहता हूँ क्योंकि बचपन से वही था कि फर्स्ट तो नॉर्मल है, अगर आप फर्स्ट नहीं है तो बहुत बुरी बात. तो वो पता नहीं वो कहीं ना कहीं रह गई है मेरे अंदर. तो कभी मैं बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करता हूँ. मतलब कुछ अच्छा होता तो लगता है कि हाँ मतलब ठीक है मैंने काम ही किया अपना, बट फेल होता हूँ तो लगता है कि ये कैसे हो गया, ये क्या गड़बड़ की, फिर मैं एनालाइज करने लगता हूँ इसको. तो आई थिंक वो है. बट उससे वो रहता है कि ओवर पीरियड में मुझे वो भी रियलाइज हुआ कि वो ग्रेटिट्यूड रखना नॉर्मल का. बट आई थिंक हम लोग सब वो रियलाइज कर रहे हैं कि जब चीजें हैं, जब मतलब अगर आपके घर पे एसी है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते यार कि आपकी लाइफ बुरी है. बिल्कुल मतलब बहुत आप टॉप 1% में आ चुके हैं जिस दिन आपने एक एसी खरीदा है अपने लिए. तो वो चीज समझ कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो, आप लकी हो. और मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही. तो वो चीज आई थिंक मुझे वो रियलाइज हुआ कि प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जो दिन का उठ के आप काम कर रहे हो वो भले ही अच्छा हो बुरा हो वो तो बात की बात है, आप 100% अपना दो. कई बार रिजल्ट 1000% बेटर आएगा, कई बार नहीं आएगा. बट हाँ ठीक है, आप अपना काम करते रहो, उसी में एंजॉयमेंट ढूंढो. आपके दोस्त, आपके कलीग्स, उनके साथ हंसी मजाक करते रहो, उनका उनको मजा आना चाहिए आपके साथ, घर वालों को अच्छा लगना चाहिए. तो वही है आई थिंक, वही मैंने सीखी है पिछले कुछ सालों. अगर आप 2011 से आप 2020 देखिए, चलो अभी भूल जाइए कि हम लोग COVID-19 लॉकडाउन में, इफ एवरीथिंग वर नॉर्मल, आपका क्या एडवाइस होगा टू से समवन एल्स, you a younger version of yourself 11 years ago, क्या ये viable career choice है आजकल? आज तो definitely है. आज तो मतलब I don't think the bigger platforms involved now. Yeah. मतलब आज तो मतलब मुझे लगता है कि in fact one of the मतलब digital platforms are one of the best career options
इफ नॉट मतलब इफ देयर इज द यू हैव यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव तो आपको डिजिटल में ही आना पड़ेगा. इनफैक्ट शायद दूसरा मतलब टीवी या सिनेमा ज्यादा रिस्कियर है कंपेयर्ड टू डिजिटल, क्योंकि यहाँ पे एक तो एंट्री बैरियर बिल्कुल ही नहीं है. आप घर से बैठ के कुछ अच्छी शॉर्ट फिल्म या कुछ अच्छे कॉमेडी वीडियोस आप बना के डाल सकते हो, अपने फोन से रिकॉर्ड कर सकते हो. तो वो चीज वैसी सुविधा नहीं थी आज से 5-6 साल पहले, इतना इजी नहीं था जितना आज है. तो ऑफकोर्स वो तो है ही कि अगर आप एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव आउटलेट ढूंढ रहे हो तो आपको डिजिटल में ही आना पड़ेगा. आपके कुछ पर्सनल कॉमेडिक इन्फ्लुएंसेस हैं कोई? हाँ काफी सारे हैं. इनफैक्ट मतलब आई थिंक हम लोग जब शुरू में 2011-12 में मॉन्टी पायथन बहुत देखा करते थे. मॉन्टी पायथन, सैटरडे नाइट लाइव, और इनफैक्ट ब्लैक एडर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. रोवन एटकिंसन ने जो भी किया है लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और एक्टर्स में मतलब वही है कि आई डोंट थिंक मतलब लोग काफी बात करते हैं रॉबर्ट डी निरो, अल पचिनो की, बट मुझे लगता है जो रॉबिन विलियम्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता कोई भी एक्टर ने आज तक किया है. मतलब दो मतलब इंसोम्निया में यू हैव अल पचिनो एंड रॉबिन विलियम्स, बिल्कुल बिल्कुल. द जॉनरा इज अल पचिनोज, मतलब उसने मास्टरी की उसमें, बट रॉबिन विलियम्स ईट्स हिम फॉर लंच यार इन दैट फिल्म. बिल्कुल बिल्कुल. विलियम्स जैसा कोई एक्टर देखा नहीं है, साशा बैरन कोहेन और ये सारा है. ऑफ लेट एक नेथन फील्डर करके एक कॉमेडियन है कनाडा में, राइट, उनका एक शो है नेथन फॉर यू, तो मैं वो उस पे बहुत ट्रिप कर रहा हूँ. अभी 2-3 महीने पहले मैंने खत्म किया था और तब से मैं वो काफी देखा है मैंने. बिल्कुल नहीं, आपने रॉबिन विलियम्स की बात की थी, मुझे याद है उसी आई थिंक मे बी शायद वही साल जब इंसॉम्निया रिलीज हुई थी, उन्होंने एक फिल्म की थी 24 आवर फोटो, इफ दैट्स द नेम ऑफ द मूवी. साइकोटिक रोल, मैं कह रहा हूं हम बचपन से उनको देख रहे हैं. या सो ही इज अ गाय, ही इज वर्किंग इन अ मॉल में, एक शॉप है जहां पे फोटोज होती है. एंड वैसी दैट होल, ये वो टाइम था जब डिजिटल बढ़ रहा था, तो वैसी उनको थोड़ी जॉब इनसिक्योरिटी थी. और एक लेडी आती है फोटो, एंड हाउ ही इज प्लेइंग अ टोटल साइको, काफी डार्क फिल्म थी वो. मैं कह रहा हूं यार, ये रॉबिन विलियम्स कर रहे थे वो. रिमार्केबल. और सर हाल ही में अभी आपकी एक शो है पंचायत, आई मीन बेस्ड ऑन द रिव्यूज वी हैव सीन, आई थिंक इससे वेल अप्रिशिएटेड शो लॉकडाउन के थोड़ी पहले हुई रिलीज हुई. देयर हैज रियली बीन नो शो दैट्स बीन सो वाइडली अप्रिशिएटेड. हाउ इज द फीडबैक फॉर यू बीन ऑन दैट शो? मतलब स्प्लेंडेड एक्चुअली. जब हम लोग एकदम कंसेप्चुअल लेवल पे थे तब हमने एंटिसिपेट किया था कि ऐसा रिस्पॉन्स होगा. बनने के बाद जो हमने देखा तो हम थोड़ा सा वैसा लग रहा था कि पता नहीं अर्बन एरियाज में लोग देखेंगे, क्योंकि इसका जोन थोड़ा सा वो है कि मतलब हमें और लॉकडाउन से, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हैं तो ये थोड़ा सा वैसा थोड़ा स्लो बर्न काइंड ऑफ अ शो है कि आपको थोड़ा इत्मीनान से देखना पड़ेगा. नॉर्मल डे पे आप शायद लोकल पे देखते हुए शायद आप उतना एंजॉय नहीं करते. तो उसके बाद घर पे बैठ के जिन लोगों ने देखा और स्पेशली विद फैमिली जिन लोगों ने देखा है, उनका तो अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स है. बिल्कुल, मतलब बिल्कुल. उनके लिए वैसे वाला है कि आई डोंट थिंक पिछले 1-1.5 साल में कोई शो को इस तरीके के शो को ऐसा प्यार मिला है. तो वो तो मतलब हमने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, हमें पता था अच्छा है, बट मतलब द वे इट हैज स्ट्रक कॉर्ड्स और मतलब मीम्स ऑलरेडी आने लगे हैं जिस तरीके के, तो वो एंटिसिपेट. I remember watching it. I think I was in the third episode. मैंने कहा यार ये थोड़ा मालगुड़ी डेज और वागले की दुनिया की ये कुछ मिक्सचर है. I think I mentioned it in a tweet also. It's and I agree with you. ये लॉकडाउन से फायदा हुआ है, but just the way मतलब the way it's written, the production, even the music. लोगों ने कहा यार ये थोड़ा it's that Spanish type music, but it's put in rural UP and it works so well. So, I mean hats off to everyone involved with that show. और अभी क्या है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉकडाउन का. आखिरी सवाल है मेरा आपका, पोस्ट लॉकडाउन वी टच्ड अबाउट इट, चेंज इन टेस्ट, आपको क्या लगता है? बिकॉज हाल ही में मैंने देखा था एक इंटरव्यू, कबीर खान की फिल्म है 83, एंड ही वाज सेइंग इन एन इंटरव्यू के नाउ कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, कौन सा प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसकी फिल्म जो है वो पहली फिल्म हो जो हॉल में जाएंगी. बिकॉज अभी तक तो लोगों को मालूम नहीं कि कितने लोग हॉल में जाएंगे. तो एक तो टॉपिक है फिल्म्स बीइंग रिलीज्ड स्ट्रेट, वी सॉ अंग्रेजी मीडियम एंड अदर्स. एक सवाल मेरा उस पर है. सेकंड, डू यू थिंक शोज विल नाउ बी टेलर्ड for the digital platform more than they were before COVID? Yeah, I think so. Or sirf wo nahi, I think the kind of stories that we say that will also change. Kyunki abhi actually hame pata nahi hai ki jab next time log sadak pe niklenge ya parks mein jayenge ya restaurants mein jayenge
तो वहां माहौल कैसा होगा? अभी पता नहीं, अगर रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, मतलब मास्क पहने रहेंगे या क्या होगा, वो कुछ पता नहीं है. तो आई थिंक इवन इफ, मतलब थोड़ी बहुत राइटिंग मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अभी लिटरली मैं थोड़े टाइम पहले मैं एक रेस्टोरेंट का सीन लिख रहा था, और मैं वही इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था यार, रेस्टोरेंट पोस्ट कोविड वर्ल्ड में रेस्टोरेंट कैसा होता है, लोग बात कैसे वही करेंगे, एग्जैक्टली वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. कि मतलब पता नहीं 6 फीट का डिस्टेंस होगा टेबल्स के बीच में, या खाना आ रहा है कैसे होगा, मतलब वो, टू मच अनसर्टेनिटी. हाँ वो पता नहीं वो कैसे होगा. बट हाँ, ये मैं चीज मान रहा हूँ कि शायद ऑलरेडी जो बनी हुई फिल्म्स हैं या जो बने हुए शोज हैं, कुछ जो नहीं शोज नहीं, आई थिंक फिल्म्स ही, जो पहले फिल्म्स जाने फिल्म्स, वाले हाँ हैं, वो शायद अभी डिजिटल में ही देखने मिलेंगे, स्पेशली जो मीडियम बजट वाली हैं, जिनका जो शायद रिकवर कर सकती हैं पैसा डिजिटल से, वो तो डिजिटल पे ही जाएंगी. और आई थिंक नेटफ्लिक्स और प्राइम का काफी फायदा हुआ है लॉकडाउन की वजह से. वन ऑफ द वेरी फ्यू बिल्कुल कंपनी जिनका फायदा हुआ है वो यही एंटरटेनमेंट कंपनीज है डिजिटल. तो आई थिंक उनका भी डिमांड बढ़ा है, तो होपफुली वो है कि अब दे विल ऑल्सो लुक फॉर सप्लाई, तो होपफुली कुछ फिल्म्स भी आए. बट वही है, आई थिंक ये बहुत क्रूशियल है, वंस द लॉकडाउन ओपन्स एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा लोगों के लिए, बिकॉज पीपल वुड वॉन्ट थिंग्स टू गो बैक टू नॉर्मल. और बिल्कुल तब वी जस्ट होप कि शूट करने को मिले और काम एटलीस्ट इन सम फॉर्म चालू हो, उसके बाद या देखेंगे कैसे नॉर्मल, मतलब हाँ जो अभी 3 महीने पहले वाला नॉर्मल अटेंड करने में तो शायद थोड़ा टाइम है, बट एटलीस्ट हाँ जैसा आप कह रहे थे न्यू नॉर्मल तो हो जाए. न्यू नॉर्मल. या नहीं, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इनेविटेबल. कुछ स्मॉल बिजनेसेस, कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट तो खोलनी पड़ेगी, बिकॉज़ यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड द वे द इकोनॉमी वाज गोइंग. अब हाँ इस हाँ वायरस के चक्कर तो इट्स स्पिल्ड ओवर इनटू अ डिजास्टर. बट एनीवेज, दैट वाज अ फैंटास्टिक मुझे चैट. एक और कहनी शुक्रिया. आपसे, आप क्योंकि क्रिकेट के भी स्टैट्स वगैरह बहुत देखते रहते हैं, तो मैं बहुत क्रिकेट का जी भी फैन जी हूँ. जी जी आपने एक जी वीडियो शेयर किया था भुवनेश्वर कुमार के विकेट्स लेने वाला, मुझे बहुत राइट मजा आया राइट था. आप राइट प्लीज वो भी शेयर करते रहिए, मैं बिल्कुल उसका भी. बिल्कुल. नहीं, आई थिंक आपने बात किया फिल्म इंडस्ट्री का, इक्वली इंपॉर्टेंट इंडिया में हम जानते हैं 3 चीज है, रिलीजन, एंटरटेनमेंट स्लैश मूवीज एंड क्रिकेट. इन तीनों का, एक तो खैर चल ही रहा है अपने दूसरे एक 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 रास्ते में, वी ऑल नो अबाउट दैट. बट एंटरटेनमेंट मूवीज एंड स्पोर्ट्स, ये जो है इनका वापस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट अगेन, किस 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 फॉर्म में आएगा, नो वन नोज. बट थैंक यू फॉर योर टाइम, इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और होपफुली थैंक यू. कभी जब ट्रैवल चालू हो तो आई थिंक होपफुली हम लोग मिल पाए फेस टू फेस. और बहुत जल्द होपफुली सर, और आपके साथ कुछ और बातचीत कर पाएंगे फेस टू फेस. डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू फॉर ऑल द एंटरटेनमेंट. थैंक यू. थैंक यू जेमी.